विधानसभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में कानून व्यवस्था की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के संबंध में। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा के अंतर्गत पुलिस थाना शाहपुरा मनोहरपुर अमरसर का पूर्ण क्षेत्र एवं पुलिस थाना सामोद गोविंदगढ़ का आंशिक क्षेत्र आता है। चोरी के संबंध में विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले थाना क्षेत्रों के में वाहन चोरी के विगत 5 वर्षों में 558 प्रकरण दर्ज हुए। उनमें से 51 प्रकरणों में चालान, 506 प्रकरणों में FR व 1 प्रकरण वर्तमान में पेंडिंग हैं। वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु पूर्ण रूप से गश्त निगरानी की जा रही है। संदिग्धों से समय समय पर पूछताछ की जा रही है। अपराधों की रोकथाम हेतु चिन्हित क्षेत्रों में पुलिस जाब्ता लगाया जाकर समय समय पर नाकाबंदी की जा रही है। लूट, विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले थानों में विगत 5 वर्षों में लूट के 21 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 15 में चालान व 6 में FR पेश न्यायालय की जा चुकी है। महिला अत्याचार, विगत 5 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले पुलिस थानों में महिला अत्याचार के 705 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 356 में चालान व 346 में FR तथा 3 प्रकरण वर्तमान में पेंडिंग हैं, जिनका शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। नकबजनी, विगत 5 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले पुलिस थानों में नकबजनी के 151 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 36 में चालान व 115 में FR नतीजा न्यायालय में पेश किया जा चुका है। डकैती, विगत 5 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले पुलिस थानों में डकैती के 4 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 2 में चालान व 2 में FR नतीजा न्यायालय में पेश किया जा चुका है। आर्म्स एक्ट, विगत 5 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले पुलिस थानों में आर्म्स एक्ट के 33 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 32 में चालान व 1 में FR नतीजा न्यायालय में पेश किया जा चुका है। NDPC एक्ट, विगत 5 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले पुलिस थानों में NDPS एक्ट के 42 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 40 में चालान, 1 में FR नतीजा न्यायालय में पेश हो जा चुका है। वर्तमान में 1 प्रकरण पेंडिंग है। वर्तमान में मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु समय समय पर अभियान चलाए जाकर कार्रवाई की जा रही है। अन्य चोरी, विगत 5 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले पुलिस थानों में अन्य चोरी में 390 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 54 में चालान, 335 में FR व 1 प्रकरण वर्तमान में पेंडिंग है, जिसका शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में पुलिस थानों में दर्ज मुकदमों में त्वरित अनुसंधान का वांछित मुजलिमों की धरपकड़ पर नतीजा पेश न्यायालय किया जा रहा है। उपजिला अस्पताल शाहपुरा की परिधि व पार्किंग क्षेत्र में वाहन चोरी की शिकायतें पर पुलिस थाना शाहपुरा से 1 वाहन मय जाब्ता समय समय पर गश्त हेतु लगाया जाता है तथा पुलिस थानों की मोबाइल में से भी समय समय पर गश्त निगरानी की जा रही है। मेरे पास जो आंकड़े हैं जो होम डिपार्टमेंट से प्राप्त हैं, अगर इसका ट्रेंड देखा जाए, मान्य सदस्य को दूंगा कि क्राइम जो है कुछ लास्ट फ्यू महीनों में बढ़ा नहीं है, वो या तो स्टैग्नेंट रहा है या थोड़ा डाउन गया है। तो भी हमने प्रशासन को, पुलिस को, सबको कह दिया है कि उस क्षेत्र के अंदर जो है कड़ी निगरानी रखी जाए और सख्ती से जो भी ऐसे केसेस होते हैं उनको डील किया जाए। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्ष का आंकड़ा आपने भी बताया कि चोरी के 948 प्रकरण दर्ज होते हैं, 105 प्रकरणों में चालान होता है। ये 11% पुलिस को सफलता अनुसंधान में मिलती है। आप देखिए, ऐसे 841 प्रकरण है जिसमें पुलिस ने FR लगा दी। 841 प्रकरण का मतलब है
कि पुलिस प्रशासन ने ना तो कोई चोरों को आइडेंटिफाई किया, ना कोई माल बरामदगी की। वाहन चोरी की स्थिति हमारे विधानसभा क्षेत्र में आए दिन, हमारा उपजिला अस्पताल शाहपुरा आए दिन आप जवाब में मंत्री महोदय कह रहे हैं, आप गृह विभाग से जो जवाब आया है कि वो वाहन से मैं जाप्ता वहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। ऐसे हालात परिस्थिति आज के समय में बने हुए हैं कि आए दिन मोटरसाइकिल चोरी होना, हमारे क्षेत्र में अन्य चोरियां जो मवेशी भेड़ बकरी से लेकर के गरीब लोगों की मवेशी चोरी होना, ये आए दिन बात है। ये लगभग 1 जनवरी 2024 से 11 अप्रैल 2024 के चोरी नकबजनी के 69 प्रकरण अभी दर्ज हुए हैं और 18 में केवल प्रकरण चालान पेश हुआ, 30 मामलों में एफआईआर लगा दी। इतने 30 मामलों में अभी तक ना पुलिस चोरों को पकड़ पाई, ना माल बरामदगी कर पाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार की संगठित जो अपराध की घटनाएं हैं, जिस प्रकार की चोरी की घटनाएं हैं, और विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मादक पदार्थों की जो बिक्री खुलेआम हमारे NH जो 48 है, जहाँ चंदवाजी निम्स अस्पताल से लेकर के, क्योंकि ये राजस्थान हरियाणा बॉर्डर का क्षेत्र है, जिस तरीके से पुलिस की नाक के नीचे ये जो धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, आए दिन वहाँ पर मादक पदार्थों की बिक्री आए दिन तेज हो रही है। इस एक घटना हमारे शाहपुरा उपजिला अस्पताल में दिनांक 10 मई 2024 को एक नशे में लिप्त एक व्यक्ति ने सरेआम एक निर्दोष युवक मोहन लाल जाट की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, 10 लोगों को गंभीर घायल कर दिया। और वो जो व्यक्ति जो अपराधी है वो एक दिन पूर्व 151 के मामले में जमानत पर आया था। ऐसे हालात परिस्थिति हमारे क्षेत्र में बने हुए हैं, चोरी, महिला अपराध, संगठित अपराध और मादक पदार्थों की जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में बिक्री है, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में इन बढ़ती हुई घटनाओं में अगर आप विशेष रूप से अगर कोई टीम बना करके ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई विशेष SIT बना करके वाहन चोरी के मामले हो, विशेष SIT बना करके मादक पदार्थों की जो बिक्री का प्रकरण है, इस मामले को विशेष रूप से संज्ञान में ले, क्योंकि आए दिन इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई है और पुलिस की नाक के नीचे पुलिस नाकाम है। पुलिस ने जो अभी आपके सामने जो जवाब पेश किया है, ऐसे हालात बने हुए हैं कि पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही, पुलिस नाकामी से बैठी रहती है और केवल FIR लगाने तक सीमित हो गई है, केवल FIR दर्ज करने तक, केवल उसमें FIR लगाने तक सीमित हो गई है। हमारे क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल किया जाए, हमारे क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को रोका जाए, मवेशियों की चोरी की घटना आम बात हो गई है और मादक पदार्थों का जो गोरख धंधा चल रहा है, सरकार विशेष SIT बना करके इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी कोई कहेंगे? अध्यक्ष महोदय, जहाँ वाहन चोरियों का मामला है, ये बहुत टिपिकल चीज़ है, क्योंकि वाहन चोरी पे जो FIR लगता है, कई लोग क्या करते हैं कि ये इंटरस्टेट गैंग्स ऐसी बनी हुई हैं कि ये वाहनों को डिसअसेंबल करते हैं और उसको बताते हैं कि गुम है, चोरी हो गई है, और खुद ही जाके कहते हैं कि साहब FIR लगा दो पुलिस को, ताकि उसका जो है इंश्योरेंस का क्लेम मिले। ये वाहन चोरी में ये बहुत ज़्यादा है। फिर भी माननीय सदस्य ने जो लॉ एंड जो डिसऑर्डर के बारे में जो चर्चा करी है, IG साहब को निर्देश देंगे, SP साहब को निर्देश देंगे कि थोड़ा प्रशासन को टाइट करके इसको क्राइम रेट को की सफलता बता के इसको डाउन लाए। अगला श्री भागचंद ठाकरा।